सतना बेल के अंदर आ गए पक्की लेकर सीए को लेकर, इसी का नाराजगी राजस्थान सरकार से। देखिए जो रीट का एग्जाम हुआ जिसमें लाखों बच्चे शामिल हुए, बड़ी मेहनत उन लोगों ने की और पेपर आउट हो गया। मैं धन्यवाद दूंगा समाचार पत्रों को और हमारे जो दूसरे भाइयों को जिन्होंने इस मामले को मजबूत तरीके से जनता के सामने रखा। और दुर्भाग्य इस बात का है इस मामले में जो चैन पकड़े गए जो लोग, एसओजी ने जांच करी और एसओजी ने कबूल किया कि एक पेपर है वो शिक्षा संकुल से आउट हुआ और इसके अंदर बड़े अधिकारी शामिल है, कई आरएस अधिकारी गिरफ्तार भी किया लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त करके छोड़ दिया। मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट है, मुख्यमंत्री कार्यालय का इन्वॉल्वमेंट है और 32,000 जो पद है, हम ये चाहते हैं कि ये पेपर जो आउट हुआ था वो कितने लोगों के पास पहुंचा, इसकी कोई जवाबदारी कोई देने को तैयार नहीं। तेरे पेपर आउट हो गया और कई जगह गया, इस भर्ती को रद्द करें, सीबीआई जांच करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी उन मंत्रियों की, उन कांग्रेस के नेताओं की और मुख्यमंत्री ऑफिस के उन लोगों का जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनका पर्दाफाश होना चाहिए। राजस्थान में रीट का ही पेपर आउट नहीं आया, उससे पहले भी चाहे पटवारी का, जैन का, एसआई का बार बार पेपर आउट हो रहे हैं और आरपीएससी पे भी उस समय आरपीएससी के चेयरमैन को जेल जाना पड़ा था। ये बात सही 2013-18 जब वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय भी ये आरपीएससी बदनाम थी। आज राजस्थान पेपर मामले में किसी भी भर्ती के अंदर सेफ नहीं है। हर तरफ एग्जाम देने से पहले बच्चे सोचते हैं कि तैयारी तो कर रहे हैं तो पेपर आउट नहीं हो जाए, कभी तो आरपीएससी की लिस्ट निकलती है जिसमें किस तरीके से नंबर एंट्री में बंदरबांट की जाती है और ये बहुत बड़ा पूरे देश का बड़ा मामला है। आरएसपी पार्टी राजस्थान के अंदर इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेगी और मैं फिर लोकसभा के अंदर इस मामले को पुरजोर तरीके से और उठाऊंगा। मैं बार बार इस मामले की भर्ती रद्द करें और सीबीआई जांच हो मामले